हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम में फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम में मतलब हम ऐसे फंक्शनल एस्पेक्ट देखेंगे जो इकोसिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इकोसिस्टम के लिए काम करते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि कोई प्रोडक्शन होता है, कई डिकम्पोजिशन होता है, कई रिसाइकल्स होता है, तो कई जगह क्या होता है, एनर्जी फ्लो होती है। तो इस तरह के ये फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं जो इकोसिस्टम में काम करते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में क्या होता है, चेंजेस होता है। तो हमारे पास चार फंक्शनल एस्पेक्ट है। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो और चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये चार पॉइंट हमारे पास है। ये चारों फंक्शनल एस्पेक्ट है जो इकोसिस्टम में काम करते हैं। इसमें से दो हम बाद में देखेंगे, हम पहले दो ही देख रहे हैं, वो है प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। कौन सा है? प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन। तो फंक्शनल एस्पेक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करने जाते हैं तो हम देखेंगे कि कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक तरह से प्रोडक्टिविटी भी देते हैं, मतलब कुछ प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, और दूसरा कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते या उनको डिकम्पोज करते। समझ में आ गया? मतलब हम ऐसा देखेंगे जो प्रोडक्शन दे रहे हैं और ऐसे भी है जो उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। खत्म, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये दो पॉइंट हमें देखना है, कौन सा, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। तो चलो हम डेफिनेशन देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा प्रोडक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसकी डेफिनेशन देखने से पहले एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे या एनर्जी ट्रांसफर के बारे में अगर पढ़ने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कहीं भी किसी भी सिस्टम में या फिर किसी भी मीडियम में एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक, और इसी के कारण से क्या होता है, ये सिस्टम कंप्लीट होती है, साइकिल कंप्लीट होता है। तो प्रोडक्टिविटी में भी क्या होता है, इसी तरह के प्रोडक्शन होकर वो एनर्जी फॉर्म होती है और एनर्जी ट्रांसफर होती है वन मीडियम टू सेकंड मीडियम। तो अगर हम एग्जांपल देखने जाए तो वाटर, दिस इज द बेस्ट मीडियम, सेकंड इज द एयर, सेकंड मीडियम, ये दो मीडियम हमारे पास है, वाटर मीडियम भी है, एयर मीडियम भी है। अगर हम एग्जांपल देखने जाते हैं वाटर मीडियम का, पॉन्ड्स ले लेते हैं। पॉन्ड्स में कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर के अंदर, मतलब पॉन्ड्स है जिसमें पानी है और पानी के अंदर कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और ऊपर एनवायरनमेंट में एयर है। तो दो मीडियम यहाँ पे फॉर्म हो गए, एक वाटर मीडियम हो गया, दूसरा एयर मीडियम हो गया। अब क्या हो रहा है, अगर पॉन्ड्स के पानी के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने किसी तरह की एनर्जी का प्रोडक्शन किए, तो वो एनर्जी क्या हो जाएंगी, उस वाटर लेवल से बाहर आके, उस मीडियम से बाहर आके एयर मीडियम में आ जाएंगी। एयर मीडियम में वो साइक्लिक चेंजेस प्रोड्यूस करेंगी, उसके बाद वो एनर्जी फिर से वापस किसी वाटर लेवल में चले जाएंगी। इस तरह से साइक्लिक कन्वर्शन हो जाएगा एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो पानी के अंदर है, सपोज उन्होंने कुछ तो भी प्रोडक्शन दिया, मतलब एक तरह से उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस की। अब एनर्जी क्या कर रही है, यूटिलाइज हो रही है इकोसिस्टम में, और उसका रिसाइक्लिंग बनकर फिर से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है वन मीडियम टू अनादर। क्लियर? तो हमारा पहला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे किसी चीज का। अब इसमें हम एग्जांपल के तौर पे अगर देखते तो पहला हमारा एग्जांपल रहेगा प्लांट। हम इसको कंसीडर करके चलते कि प्लांट हमें क्या कर रहा है, प्रोडक्टिविटी दे रहा है। अब प्लांट जब प्रोडक्टिविटी दे रहा है तो हम समझेंगे वो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। प्लांट क्या कर रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन दे रहा है। अब जब ये प्लांट एनर्जी का प्रोडक्शन दे रहा है तो वो प्लांट किसी एक एरिया में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को कंसीडर करेंगे। एक एरिया में उस प्लांट ने प्रोडक्शन दिया, क्या दिया, एनर्जी का। अब एनर्जी रेट में देखेंगे तो किस रेट से वो एनर्जी प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है, उसके बाद वो टाइम पीरियड देखेंगे। मतलब अगर हम 12 आवर्स का टाइम लेते हैं, 12 आवर्स का टाइम लेते हैं, 12 आवर्स में वो प्लांट उस एरिया में कितने रेट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अपनी डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और एनर्जी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और एनर्जी पर यूनिट एरिया ओवर द टाइम, पर यूनिट एरिया ओवर द टाइम, ये हम डेफिनेशन करेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और बायोमास पर यूनिट एरिया ओवर टाइम। ओवर टाइम मैंने 12 आवर्स लिया था, पर यूनिट एरिया जिस एरिया में वो पेड़ है, वो प्लांट है, वो एरिया, और उसने उस आवर्स में कितने रेट से कितनी एनर्जी
प्रोड्यूस की। अब एनर्जी है तो उसका यूनिट भी आएगा। अगर हम उसका यूनिट लेते हैं तो हम किलो कैलोरी में देंगे तो ये यूनिट आएगा, और ग्राम में देंगे तो ये यूनिट आएगा, जिसमें क्या करेंगे, किलो कैलोरी एनर्जी का यूनिट हो गया, मीटर किसका हो गया, एरिया का माइनस पावर टू, और अगर टाइम देते तो ईयर लिए, ईयर का भी उन्होंने पावर दिया है माइनस का, तो ये हो गया उसका यूनिट, किलो कैलोरी और ग्राम का यूनिट हमारे पास है। समझ में आ गया? तो प्रोडक्टिविटी हम एनर्जी में देखेंगे, और एनर्जी को देख रहे हैं तो फार्मूला ऐसा होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी के हम टाइप देख रहे हैं, तो बच्चों प्रोडक्टिविटी के हमारे पास दो टाइप है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कितने टाइप है हमारे पास? दो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है फोटोसिंथेसिस। मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब प्लांट करता है, क्योंकि हमने प्लांट को कंसिडर करके कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इसलिए आ रही है। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है। तो जब प्लांट कोई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है तब क्या करता है, वो एक तरह से एनर्जी का भी प्रोडक्शन करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के वक्त वो क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया ओवर टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये इसके बारे में हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट, उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आ गया? मतलब प्लांट क्या कर रहा है, लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर रहा है, और इन दोनों की मदद से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर रहा है, लेकिन उसके वक्त वो क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उस एनर्जी को हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इसके दो टाइप है, ग्रॉस एंड नेट। इसके कितने टाइप है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो। कौन सा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऐसे दो टाइप है। किसके? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। ओके, अब ग्रॉस में क्या है? ग्रॉस मतलब टोटल, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म है जीपीपी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? जीपीपी, टोटल एनर्जी। अब टोटल प्रोडक्टिविटी जो जिस रेट से दे रहा है प्लांट, टोटल प्रोडक्टिविटी जिस रेट से दे रहा है प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और एनर्जी पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज नोन एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर नेट क्या हुआ? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब ये होता है कि जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने के वक्त रेस्पिरेशन भी करता है प्लांट, और रेस्पिरेशन करते वक्त जिस तरह की एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, उसको बोला है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन प्रोडक्टिविटी, उसको हम भी बोल सकते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर मतलब रेस्पिरेशन, आर मतलब रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे मैंने आर को, रेस्पिरेशन को आर से डिनोट किया है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हो गया? जब प्लांट रेट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम ड्यूरिंग इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, दैट नोन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो क्या हो गया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप, ग्रॉस मतलब टोटल और नेट मतलब जो रेस्पिरेशन के वक्त एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन होने की वजह से क्या होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हो चुकी है, उसको वो ट्रांसफर कर रहा है या अवेलेबल है और वो ट्रांसफर कर रहा है। कैसे? ये इसकी डेफिनेशन अगर हम करने जाते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द कंज्यूमर फॉर लेवल ऑफ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द कंज्यूमर फॉर द ट्रांसफर ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ नेक्स्ट लेवल। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ नेक्स्ट लेवल।
तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, मतलब एसिमिलेशन। मतलब सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि एनर्जी बन गई कब, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के वक्त और रेस्पिरेशन रिएक्शन के वक्त, अब एनर्जी अवेलेबल है। अब ये एनर्जी जो भी कोई है जिसको वो कंज्यूम करेगा, जो भी है ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को कंज्यूम करेगा, तो कंज्यूम करने के लिए उसके बाद जितने प्रकार की एनर्जी अवेलेबल है वो को बोलेंगे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इनके यूटिलाइजेशन के बाद जो बची किसी को कंज्यूम करने के लिए वो हो गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब वो कंज्यूम क्यों करेगा, क्योंकि उसको ट्रांसफर करना है एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल में, इसलिए वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो मतलब क्या कर रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कर रहा, तो एसिमिलेशन हो गया। क्या कर रहा है, यूटिलाइजेशन कर रहा मतलब एसिमिलेशन हो गया। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल रहना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस के वक्त अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होना, इसमें टोटल अमाउंट है और नेट अमाउंट है, दो तरह के एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं, ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है इकोलॉजिकल इफिशियंसी, इकोलॉजिकल इफिशियंसी। इकोलॉजिकल इफिशियंसी मतलब परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास एट अ ट्रॉपिक लेवल इनटू प्रेजेंट ऑफ एनर्जी इनटू लो ट्रॉपिक लेवल। कैसे बताता हूँ, जैसे अभी इकोलॉजिकल इफिशियंसी है तो हम इसको ई करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास, एनर्जी कन्वर्ट हो गई बायोमास में एट हायर ट्रॉपिक लेवल, हायर ट्रॉपिक लेवल डिवाइडेड बाय एनर्जी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बायोमास एट लो ट्रॉफिक लेवल। अब इसको बोला है परसेंटेज, मतलब मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग मैं आपको समझा के देता हूँ। इकोलॉजिकल इफिशियंसी मतलब, इफिशियंसी मतलब कैपेसिटी, इफिशियंसी मतलब कैपेसिटी। अब इकोलॉजिकल इफिशियंसी मतलब उस इकोसिस्टम की इफिशियंसी क्या हो सकती है, जब कोई भी एनर्जी फॉर्म होती है तो कन्वर्ट होंगी या फिर एज इट इज रहेंगी, दो चीज़ें होंगी। कोई भी एनर्जी जब फॉर्म होती है या तो वो कन्वर्ट होती है या फिर एज इट इज रहती है। अब अगर एनर्जी प्रेजेंट है बायोमास में लो ट्रॉफिक लेवल पे, इस लेवल पे वो एनर्जी अवेलेबल है, प्रेजेंट है, और वही एनर्जी अगर वो कन्वर्ट हो रही है हाई लेवल पे जाके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का परसेंटेज जो निकालेंगे वही हो गया कैपेसिटी, मतलब इकोलॉजिकल इफिशियंसी। समझ में आ गया, एनर्जी फॉर्म हो गई और अवेलेबल है लो लेवल पे, अब वही एनर्जी क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है किसी हाई लेवल पे। लो लेवल से हाई लेवल पे जब एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो इस एनर्जी और उस एनर्जी का डिफरेंस आप जब निकालेंगे तो वो डिफरेंस परसेंटेज ही क्या हो गया, इकोलॉजिकल इफिशियंसी। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, चलो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसिमिलेशन इफिशियंसी, एसिमिलेशन इफिशियंसी मतलब उस एनर्जी का किस तरह से कंज्यूम हो रहा है या यूटिलाइजेशन, ठीक है। जैसे अगर हम देखने जाते हैं कि अगर कोई फूड एनर्जी है तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, अब खाते वक्त कितना हम डाइजेस्ट कर पा रहे कितना नहीं, इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है। समझ में आ गया, जैसे फूड एनर्जी है हम फूड एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अब कंज्यूम करते वक्त कितनी एनर्जी हमने डाइजेस्ट किए वो और कितने हमने एसिमिलेट करने का कोशिश किए वो, इन दोनों का डिफरेंस अगर परसेंटेज हम निकालते हैं तो वो हो गया एसिमिलेशन इफिशियंसी। तो चलो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, फूड एनर्जी,
फूड एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है कि हमने एसिमिलेट किया है, एसिमिलेशन किया है। अब डिफरेंस क्या दे रहे हैं, हम इसमें परसेंटेज निकाल रहे हैं, फूड एनर्जी को हमने कितना डाइजेस्ट करना है या प्लांट क्या कर रहा है उसको इनडाइजेस्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई 100 और ये क्या हो गया ए। तो ये हो गया हमारे क्या, एसिमिलेशन इफिशियंसी, मतलब एसिमिलेट करने की कैपेसिटी कितनी है, जितना डाइजेस्ट कर सकते वो उसका डिफरेंस, और कितना हमने एसिमिलेट करने की कोशिश की वो उसका डिफरेंस, परसेंटेज क्या होगा, एसिमिलेशन इफिशियंसी। अब मैं हम आप वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये हम प्लांट से रिलेटेड कर रहे हैं। तो जब कोई प्लांट वो फूड एनर्जी को कंज्यूम करता है और कंज्यूम करने पर उसको एसिमिलेट करके डाइजेस्ट करता है, तो एसिमिलेट कितना किया, डाइजेस्ट कितना किया, इसका परसेंटेज ही मतलब हमारा एसिमिलेशन इफिशियंसी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड नंबर का, वो है फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी। अब इसमें क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के वक्त एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी रिलीज करते हो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के वक्त उन्हें जरूरत होती है सोलर एनर्जी की, क्योंकि फोटो लाइट है, बगैर लाइट के फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो नहीं सकते। जब सोलर एनर्जी वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंज्यूमेबल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके जब वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंट परसेंटेज ही क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी। तो चलो हम इसको भी लिख देते हैं। तो हमारा पॉइंट है क्या, एनर्जी ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या हो गया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हम इसको लिख देते पीई। ठीक है, एनर्जी कब की, जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है तब की, मतलब वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गई, वो एनर्जी आ गई। अब इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी कौन सी, एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनर्जी एंड सोलर रेडिएशन एनर्जी, ये हो गया हमारा क्या, फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी। जब फोटोसिंथेसिस वर्ड आ रहा है तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होगा और उस वक्त दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, ये दो एनर्जी है। तो दूसरी एनर्जी कौन सी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसमें क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनर्जी एंड सोलर रेडिएशन एनर्जी, ये हो गया हमारा फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को जो एनर्जी फॉर्म हो रही है उसका डिफरेंस हम निकालेंगे, तो उसी को बोलेंगे हम फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी। अब उसके बाद हमारा नेट प्रोडक्शन इफिशियंसी, नेट प्रोडक्शन इफिशियंसी, इसको हम डिनोट करेंगे एनपीई, देते हैं एनपीई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस देख रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिफरेंस, मतलब परसेंटेज ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नोन एज द नेट प्रोडक्शन इफिशियंसी, इज नोन एज द नेट प्रोडक्शन इफिशियंसी। तो आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे, क्या देख रहे हैं हम, इफिशियंसी देख रहे हैं, पहला इकोलॉजिकल इफिशियंसी, दूसरा असिमिलेशन इफिशियंसी, तीसरा फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी एंड फोर्थ इज द नेट प्रोडक्शन इफिशियंसी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रोडक्टिविटी लेवल, कौन सा है, प्रोडक्टिविटी लेवल। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी लेवल, इसमें 4 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है अपना हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम,
सेकंड है एवरेज प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम, तीसरा है लेस प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम और नंबर चार है लो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। इन चारों का मीनिंग ये होता है कि इकोसिस्टम जो होती है वो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी इस चार तरह से हो सकती है। एक तो वो ज़्यादा हाई तरह की प्रोडक्टिविटी देंगी इकोसिस्टम, या फिर वो इकोसिस्टम एवरेज प्रोडक्टिविटी देंगी, या फिर वो इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिविटी देंगी, या फिर वो इकोसिस्टम पूरी तरह से कम प्रोडक्टिविटी देंगी। तो ये चार पॉइंट हम कंसिडर करते हैं प्रोडक्टिविटी में। अब कैसा होता है, जो हाई प्रोडक्टिविटी होती है वो कितना प्रोडक्टिविटी देंगी, वो प्रोडक्टिविटी देंगी कम से कम 2 से 4 किलोग्राम पर एरिया पर ईयर। जब हाई है तो वो हाई मतलब 2 से 4 किलोग्राम प्रोडक्टिविटी देंगी, मतलब वो हाई होगी। तो हाई प्रोडक्टिविटी 2 से 4 देंगी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में। अब हम सेकंड देखते हैं पॉइंट हमारा, वो है एवरेज। एवरेज में वो कितना देंगी, तो एवरेज में वो दे सकते 1 से 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर। लेस में कितना देंगी, लेस में दे सकते हो 500 से 1000 आया तो ग्राम आएगा, ग्राम पर एरिया पर ईयर। और लो में कितना देंगी, वो 200 या उससे भी कम ग्राम किलो कैलोरी एनर्जी दे सकती है, उससे भी कम दे सकती है। हाई है तो 2 से 4 किलो दे सकती है, एवरेज है तो 1 से 2 किलो दे सकती है, लेस है तो 1 किलो के अंदर दे सकती है, और लो है तो वो 200 ग्राम तक दे सकती है। तो ये एज पर फिगर हम इस तरह से हाई एवरेज लेस और लो को डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी में। मतलब इकोसिस्टम हाई प्रोडक्टिविटी दे रही तो 2 से 4 किलो की दे रही है, वही इकोसिस्टम एवरेज दे रही है तो 1 किलो 2 किलो के पास दे रही है। अगर वही इकोसिस्टम अगर लेस दे रही है तो वो 1 किलो के अंदर दे रही है, और वही इकोसिस्टम एकदम लो दे रही है तो वो 200 ग्राम के नीचे या 200 ग्राम तक ही प्रोडक्टिविटी दे रही है। तो इस तरह से अलग अलग इकोसिस्टम अलग अलग तरह से प्रोडक्टिविटी देती है, जिसकी वजह से उस एरिया में उस तरह के ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, वो है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक मटेरियल डिस्ट्रॉय और डिकम्पोजेस और कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डिकम्पोजिशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का चेंज होता है उस प्रोसेस को बोलेंगे डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अब ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस में 2 पार्ट होते हैं, एक वो जो इस प्रोसेस को करता है उसे बोलेंगे डिकम्पोजर, उसको बोलेंगे डिकम्पोजर। और वो मटेरियल को जो डिकम्पोज करते हैं उसको बोलते हैं डेट्रिटस। क्या बोलते हैं, डेट्रिटस, वो मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल। अब डिकम्पोजर बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे हम इसको देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, ऐसे कई तरह के डिकम्पोजर हो सकते हैं, नेमेटोड्स हो सकते हैं, राउंड वर्म हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं। और डेट्रिटस में क्या सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर या फिर एनिमल डेड टिश्यू, ऑर्गन्स या प्लांट डेड पार्ट्स, लीव्स, ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं। तो डेट्रिटस वो हो सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल है किसी एनिमल का, किसी प्लांट का वो, और डिकम्पोज वो जो इनको
कन्वर्ट करेंगे इजी फॉर्म में या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में, वो तो डिकम्पोजिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें इनको डिकम्पोज किया जाता है। समझ में आ गया? तो हम इसमें क्या देखेंगे अलग अलग, वो है नंबर वन पे हम देखते हैं अभी प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। नंबर वन पे देखते हैं हम, वो है पहला फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस, सेकंड है कैटाबोलिज्म, और नंबर तीन है लीचिंग। तीन तरह की प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन में। फ्रैगमेंटेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स उस डिट्रिस को फ्रैगमेंट में, मतलब उसके टुकड़े करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। फ्रैगमेंटेशन में क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स, क्या करते हैं उस डेट्रिटस को टुकड़े करते हैं और उसका कन्वर्शन करते हैं किसी इजी फॉर्म में, उस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। कैटाबोलिज्म मतलब क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं और उस रिएक्शन को पूरा करके उस मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसी फॉर्म में, उसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म प्रोसेस। मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है उस मटेरियल को, ऑर्गेनिक मटेरियल को या फिर डेट्रिटस को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और उसको कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो बोलेंगे कैटाबोलिज्म। अब लीचिंग में क्या होता है, जब ये प्रोसेस होती है तब उस प्रोसेस के दौरान शुगर मॉलिक्यूल्स भी सीक्रेट होता है या प्रोड्यूस होता है उस माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा, और वो क्या होता है एक्यूमुलेट होता है सॉइल में, और सॉइल में एक्यूमुलेट होने के बाद वो क्या करता है परकोलेशन प्रोसेस द्वारा वाटर को एब्सॉर्ब करके जमीन के अंदर लेके जाता है और उस मटेरियल को भी उस सॉइल के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। इस तरह से क्या होता है प्रोसेस होती है। मतलब अगर कोई एक एग्जांपल दिए तो किसी एनिमल का या किसी प्लांट का कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे, सपोज हम लेते हैं किसी प्लांट का एक फ्रूट वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो फ्रूट जब वहाँ पे था तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर जमा हो गए और उसको क्या किए फ्रैगमेंटेशन किए, जिसकी वजह से उसका कन्वर्शन हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उसका फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक रिएक्शन प्रोड्यूस हो गई, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई, जिसमें उन्होंने कैटलिस्ट का काम किए और कैटाबोलिज्म रिएक्शन द्वारा उस ऑर्गेनिक मटेरियल को, मतलब फ्रूट के उस अंदर में जितने भी ऑर्गेनिक एलिमेंट थे उस एलिमेंट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब वो क्या हो गया, वो पूरा का पूरा फ्रूट एक तरह से डिस्ट्रॉय होके उस सॉइल में मिक्स हो गया। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जितने भी वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट था फ्रूट में, उस कैटाबोलिज्म रिएक्शन में माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा वो उसका कन्वर्शन हो गया शुगर फॉर्म में, और वो फिर क्या हो गया एक्यूमुलेट हो गया सॉइल में। अब सॉइल में एक्यूमुलेट होने के बाद वाटर के साथ वो पूरा फ्रूट का मटेरियल क्या हो रहा है एक्यूमुलेट हो रहा है, अंदर जा रहा है, जमीन के अंदर जमा हो रहा है और उसकी वजह से सॉइल में मिक्स हो रहा है, तो शुगर भी उसमें डिकम्पोज होकर उसमें मिल रहा है और उसकी वजह से वो सॉइल क्या हो रही है बेटर फर्टिलिटी प्रोडक्ट कर रही है। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है तो उसमें हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो क्या होता है डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट, नंबर वन ह्यूमस और नंबर टू है मिनरलाइजेशन और मिनरल्स। ठीक है, दो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। ह्यूमस नाम का जो प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन प्रोसेस में मिलता है वो एक डार्क कलर का एमॉर्फस प्रोडक्ट होता है। ह्यूमस एक डार्क कलर का एमॉर्फस प्रोडक्ट होता है जिसमें कई तरह के कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस रहते हैं, सेल्युलोज प्रोड्यूस रहते हैं। ये ह्यूमस डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान फॉर्म होता है, तैयार होता है डार्क कलर का एमॉर्फस मटेरियल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ सेल्युलोज भी रहता है और जो सॉइल में मिक्स होता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, उसके बाद मिनरलाइजेशन, जितने भी अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मटेरियल विच डिकम्पोजेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
that convert this type of element into mineral form in which it mix in the soil, and due to this soil become a very good fertile form. ओके जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल उस फ्रूट में अगर प्रेजेंट होंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज किया होगा तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल का कन्वर्शन मिनरल में होगा, वो मिनरल सॉइल में मिक्स होंगे और उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेंगी. तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ह्यूमस बनता है और दूसरा मिनरल प्रोडक्ट बनते हैं जो दोनों के दोनों सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल बन जाती है. ये हो गया डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट. अब उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन. फैक्टर अफेक्ट डी कंपोजिशन. नंबर वन पे देखेंगे हम लोग टेम्परेचर, नंबर टू पे देखेंगे पीएच, नंबर थ्री पे मॉइस्चर और नंबर चार पे देखेंगे एरोबायोसिस. एरोबायोसिस, दीज आर द फोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. पहला है टेम्परेचर, मैंने आपको पहले ही बताया था टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण होता है. टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे और जिसकी वजह से वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. साथ में अगर टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस के आज नीचे आ जाता है तो भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं होगा. क्योंकि डिकम्पोजिशन प्रोसेस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फंगस की बहुत ज़रूरत होती है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ग्रोथ होते हैं. टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के अबव और 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रोथ होंगे तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस अच्छे से होंगे. तो टेम्परेचर बहुत मायने रखता है. देखिए समर सीजन में कुछ चीज़ें डिकम्पोज नहीं हो पाती, विंटर में भी नहीं हो पाती है, विंटर सीजन में भी नहीं होता. इसलिए अटलांटिक में ज़्यादातर कोई डेड बॉडी अगर पाई जाती है तो वैसी की वैसी रहती है, वो डिकम्पोज नहीं होती. आपने कई मूवी देखे होंगे जिसमें देखा होगा कि कई पर्वतारोही हिमालय एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ रहे और डेड हो गए, मर गए, तो कई सालों तक उनकी डेड बॉडी एज इट इज उसी कंडीशन में वहाँ पे पाई जाती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होता उतने लो टेम्परेचर में, जिसकी वजह से बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, एज इट इज रहती है. तो टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है. सेकंड है पीएच. अगर सॉइल का पीएच एसिडिक है, मैंने पहले भी कहा था, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर वही पीएच अगर बेसिक या न्यूट्रल के पास है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से ग्रोथ होंगे और डिकम्पोजिशन प्रोसेस कंप्लीट होंगे. लेकिन एसिडिक पीएच में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता, मर जाता है, इसलिए वो डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएंगे. तो पीएच इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट है मॉइस्चर. बराबर है, अगर मॉइस्चर अवेलेबल है, ह्यूमिडिटी है, एयर में मॉइस्चर है, उस जगह पे मॉइस्चर है, तो इट्स बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस. अगर नहीं तो डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा. देखिए धूप काला में समर सीजन में पूरी हमारी सॉइल ड्राई हो जाती है तो उसमें उतने हमें कीड़े मकोड़े नहीं मिलते. लेकिन अगर उसी कंडीशन में अगर बरसात में हम देखते हैं तो देखो बारिश के सीजन में सॉइल में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट निकल आते हैं, बाहर निकलते दिख जाते हैं. आपने भी देखा होगा बारिश होने के बाद लाइट के पास कई कीड़े दिखते हैं. क्यों? क्योंकि जितना मॉइस्चर अगर एनवायरमेंट में आएगा तो उतने ये एनिमल्स इंसेक्ट या माइक्रोनिज्म ग्रोथ होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डेवलप होते हैं. तो उसकी वजह से मॉइस्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिकम्पोजिशन. देन है एरोबायोसिस. मतलब जो माइक्रोनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं अगर उनको इनफ क्वांटिटी में अगर ऑक्सीजन उस एनवायरमेंट मिल रहा तो वो आसानी से डिकम्पोजिशन करेंगे. अगर हम अटलांटिक पार्ट में लेकर चलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ऐसे पार्ट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करते, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन नहीं होता, क्योंकि उनको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन लगता है. तो एरोबिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एरोबिक प्रोसेस करके ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ होते हैं तो डिकम्पोजिशन करते हैं. तो हमारे पास चार फैक्टर है, टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर और एरोबिक्सिस. ये चारों फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस को. तो यहाँ पे अपना ये पॉइंट खत्म हो गया, हम आगे का देखेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. ओके बच्चों.